नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। ये वक्त है छतरपुर जिले की कोरोना रिपोर्ट को देख लेने का। छतरपुर जिले में बुधवार को एक बार फिर कोरोना का कोहराम देखने को मिला। जिले के अलग अलग हिस्सों में 25 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। अब छतरपुर जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 500 तक पहुंच चुका है। हालांकि इनमें से एक्टिव मरीज 93 हैं। देखिए आज की रिपोर्ट, कहां कहां कितने मरीज पाए गए। बुधवार को अहमदाबाद से आए कोरोना जांच नतीजों में एक बार फिर वायरस का कोहराम नजर आया। छतरपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में 25 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। 418 सैंपल के नतीजों में 23 मामले सामने आए, तो वहीं 2 अन्य मामले पहले किए गए सैंपल से जुड़े। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार कर चुका है। इनमें से 396 लोग कोरोना को परास्त कर घर जा चुके हैं, तो वहीं अब जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 93 हो चुकी है। राजनगर छतरपुर जिले का नया कोरोना हॉटस्पॉट है। बुधवार को सामने आए नतीजों में सबसे ज्यादा मामले राजनगर ब्लॉक से सामने आए। चंद्रनगर से सटे ग्राम बसाटा में एक 50 वर्षीय महिला पॉजिटिव मिली। राजनगर के फौजदार मोहल्ले में एक 30 वर्षीय महिला, खुशहाली मोहल्ले में 42 वर्षीय पुरुष, राजा मार्केट में 27 वर्षीय महिला, उनकी 5 वर्षीय पुत्री, राधिका कॉलोनी खजुराहो से 50 वर्षीय पुरुष, 21 वर्षीय महिला, रामबाग राजनगर से 54 वर्षीय पुरुष और राजनगर क्षेत्र के ग्राम दुपारिया से 60 वर्षीय पुरुष संक्रमित मिला। इसके बाद लपकुश नगर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। यहां एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित पाए गए। लपकुश नगर के वार्ड नंबर 6 से एक 10 वर्षीय बच्चा, इन्हीं के परिवार के 52 वर्षीय पुरुष, 34 वर्षीय पुरुष, 45 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई। लपकुश नगर के एक ही चौरसिया परिवार के उक्त सभी मामले बताए गए हैं। पहले भी इस परिवार से संक्रमित सामने आ चुके हैं। छतरपुर जिला मुख्यालय पर भी एक पुलिसकर्मी सहित 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पुलिस लाइन निवासी एक 28 वर्षीय सिपाही, महावीर कॉलोनी में जैन परिवार के 59 वर्षीय व्यक्ति, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में सिंह परिवार की एक 42 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा ग्वालमगरा तालाब में भी एक युवक पॉजिटिव मिला है। छतरपुर जिले के नौगांव में 4, हरपालपुर गौरहार में एक एक मामला सामने आया। नौगांव के वार्ड नंबर 15 में साहू परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव पाए गए। 34 वर्षीय पुरुष, 18 वर्षीय युवती, 50 वर्षीय महिला और 29 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा हरपालपुर के वार्ड नंबर 5 में भी एक 38 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव मिला, तो वहीं गौरहार क्षेत्र के महोई कला में एक 23 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई। अच्छी बात यह है कि बुधवार को जो 25 संक्रमित मामले सामने आए हैं वो नए इलाकों से नहीं हैं। 90% मामले पहले से संक्रमित पाए गए लोगों के परिवार से ही जुड़े हैं। अब एक नजर आज की कोरोना फैक्ट फाइल पर। जिले में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 500 हो चुका है। इनमें से 396 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 93 अब भी एक्टिव मरीज के रूप में इलाज ले रहे हैं। जिले में 11 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है, जबकि 15,782 लोगों के सैंपल कराए गए हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप खबरें देखते रहिए, साथ ही YouTube पर अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। खबर अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कर लीजिए। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब sbcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। sbcitymart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं,
100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5-25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।